अब मेरे बेटे का मर्डर में नाम झूठ आ रहा है तो क्या हवा या तूफान आके सब कुछ कर गया? अगर उनके खून में लाली होगी तो वो अदालत आएंगे, अगर उनका भी आग बबूल हो गया तो कौन रोक पाएगा? अगर वो थोड़ा सा हट जाते तो काली कोट वाले उनको गिरा के मारते। जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है, जब काली कोट और खाकी वर्दी की इज्जत नहीं किए, उन्होंने मेरे दरवाजे पर चढ़ के मारा और आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। अतीक कहता है कि मेरा अपहरण में नाम झूठ आया, अब मेरे बेटे का मर्डर में नाम झूठ आ रहा है तो क्या हवा या तूफान आके सब कुछ कर गया? 17 साल से मुकदमा चला अदालत में, उसको जब इनकार कर रहा है तो और उसको इनकार करने में क्या बीतेगा? कुछ नहीं। तो देखिए, इस समय जो मेरे बेटे के साथ के रहने वाले सहयोगी वकील हैं, वो है आक्रोशित। जो उस दिन अदालत में उन लोगों का गुस्सा निकला है, उस गुस्सा को अभी थमा नहीं है। और मेरा बेटा सामाजिक तौर पे था, तो मैं न समाज को पकड़ पाऊंगी और ना तो मैं काले कोट वालों को रोक पाऊंगी, या जो दो खाकी वर्दी शहीद हुए हैं, अगर उनके खून में लाली होगी तो वो अदालत आएंगे, अगर उनका भी आग बबूल हो गया तो कौन रोक पाएगा? जी, आपको लगता है कि अतीक के अदालत आने पर फिर से एक बार उसके ऊपर हमला होगा? भाई, वो शासन प्रशासन नहीं कर रही है, उसके लिए हम नहीं कह सकते। ये 1.5 महीना हो गया, 50 दिन, अभी तक हमको अदालत से कोई न्याय नहीं मिली। लेकिन आगे होता क्या है ये तो जनता बताएगी या काले कोट वाले बताएंगे। आपकी तरफ से, आपके समर्थकों की तरफ से क्या कोई इस तरह की तैयारी अदालत में, लोग आपके लोग मौजूद हैं? मेरे घर से कोई नहीं गया, ना मेरे घर से अगली चक्कर कोई गया, ना आज तक अदालत में कोई गया है। पूरे आप लोग के सहयोगी पत्रकार यहाँ बैठे थे उस दिन भी और आज भी बैठे हैं, मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। लेकिन उसके जो काले कोट का था, वर्दी पे था उस दिन मेरे बेटे को मारे, उनके सुरक्षा कर्मी घर पे बैठे नहीं थे, गाली सुतर रहे थे, वो भी अपनी वर्दी पे थे। तो अगर उस वर्दी की इज्जत रखने के लिए अगर कोई उठाएगा, गाली देगा, मारेगा, पीटेगा या जूता चप्पल की माला पहनाए, हम किसी को रोक नहीं पाएंगे। ये सब होगा, आपको लग रहा है आ, जब अगली चक्कर हुआ तो मैंने सुना देखा, तो हम किसी को बता नहीं सकते कितनी, किसके दिल में कितनी बड़ी क्रोध है। आपको लगता है अतीक के साथ इस तरह का मारपीट होना चाहिए? कानून देखिए, होना चाहिए, अच्छा हो। अगर उस दिन आप लोग या और लोग जो उसके सुरक्षा कर्मी थे, अगर वो थोड़ा सा हट जाते तो काली कोट वाले उनको गिरा के मारते। जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है, उसको अपनी बेइज्जती में सारा माना चाहिए, डूब के मर जाए। गुस्सा है यहाँ के लोगों में अतीक के खिलाफ? समाज को भी मेरे गुस्सा है और एडवोकेटों को भी गुस्सा है। देखिए, जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही, घेर रही है, उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को तीन तीन को मार के गए, हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिस कर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको ना मौत के घाट उतारे, तब तक क्या पूर्ति हुई है? कोई पूर्ति नहीं। मिट्टी में तो पहले ही योगी जी ने मिला दिया था, अब रगड़ रहे। उसको कहां मिट्टी में मिला पाए, वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहां मिला है? वो तो कह रहा कि हमको मिट्टी, अरे उसको कहने से रहने दीजिए। वो तो कहता मैं जेल में थे, मैं तो जेल में था जब उमेश का मर्डर हुआ है। आप लोग, लेकिन वो देखिए, वो तो बोल रहा है कि मैं जेल में था, लेकिन जेल से तो उन्हें सारी शतरंज की चाल रची है। माता जी, अतीक के करीबियों के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है, लगातार छापा चल रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, छापेमारी ना चले, जो इतने असलहे निकले हैं, लकड़ी की तरह, कुंदे की तरह भर भर के रखा है, या जो काले धन का दौलत बटोर के रखा है, ये कहाँ से निकलता? जब छापेमारी करेंगे तभी तो सब सामने निकल के आएगा।